हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे जो कोयती लोग होते हैं, सेठ लोग होते हैं, यहाँ पे आते हैं रेगिस्तान में, कैसे रहते हैं, क्या क्या सुविधा उनके पास है। वो आते हैं 2 घंटे 4 घंटे के लिए। आज मेरा नया आप लोग इस टॉपिक पर होगा कि रेगिस्तान में कोयत के कोयती लोग, सेठ लोग, अरबी लोग आते हैं, कैसे रहते हैं, क्या क्या सुविधा उनके पास है। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर कोई जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करें। आज मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ का सेठ लोग का रहन सहन। तो चलते हैं ब्लॉक की तरफ। ये देखिए, मैं जा रहा हूँ मकान पे। ये देखिए रास्ता है। गाड़ी वगैरह ऐसे ही जाते हैं। देखिए वहाँ पे, यहाँ पे वो सामने दिख रहा है, यहाँ पे सेठ लोग आके बैठते हैं आराम से। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या सुविधा है, क्या नहीं है, क्या क्या कैसे रहते हैं, कैसे क्या क्या सुविधा अपने लिए रखे हैं ये लोग। आज मैं आप सबको दिखाता हूँ। ये है कोयत के रेगिस्तान का सेठ लोग का रहन सहन। मेरा अगला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा कि एक वो गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो वो एक आदमी है, वो सूडान का था, उसको नहला रहा था गर्मी में। आप वीडियो देखेंगे मेरे पीछे वाली तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए सेठ की गाड़ी है, ये सेठ की गाड़ी है, एक सेट का है। ये उसका रूम है। देखिए ये है गाड़ी, ये देखिए एक ये दूसरा रूम है दोस्तों, ये दूसरी गाड़ी। हम लोग के यहाँ किसी किसी को एक गाड़ी नहीं होती, इन लोग के पास 3-3 गाड़ी है। ये देखिए जनरेटर है, ये जनरेटर है बड़ा वाला, ये चालू है। ये देखिए सामने का दृश्य है, इसमें सेठ लोग बैठे हैं, इसमें सेठ बैठा है। और एक गाड़ी, ये देखिए भी एक गाड़ी काली वाली। ये देखिए ये लोग बाहर में, रात में बाहर में बैठते हैं, उसका है ये, इस पर वो सोफ़ा लगा के बैठते हैं रात में बाहर में। एक ये रूम तो अभी कहीं जाने वाला है, ये बंद है, दूसरे जगह जाने वाला है, इसमें तो नहीं जा पाऊँगा, ठीक है दोस्तों। और ये है एक रूम, इसमें तो जा सकता हूँ। ये देखिए बाहर बैठने वाला है, इसमें सोफ़ा लगाते हैं, ये रूम में सेट होता है, इसमें बाहर सुरात में बाहर में सोफा लगा के बैठते हैं, पार्टी वल्टी करते हैं, यहाँ पे रहते हैं। ये देखिए हाथ धोने वाला है, हाथ धोने वाला, इसको मक्सला बोलते हैं, मक्सला। ये देखिए किचन है, ये किचन है, चूल्हा है, ये गोरी है, ये केतली है पानी वाला, यहाँ पे इसको गोरी बोलते हैं। ये देखिए गैस चूल्हा पूरा रखा हुआ किचन का है। ये देखिए फ्रिज है, ये फ्रिज है। और ये देखिए पूरा संदूक है, संदूक में पूरा सामान भरा हुआ है, हंडी पतीली जो भी है इधर, देखिए सब सामान भरा हुआ, पूरा चाय चाय कहवा कॉफ़ी सब चीज़ बनता है, तो पता देखिए सब देखिए वह है। ये देखिए अब ये रूम का काम चालू है, अभी इसमें काम खलास नहीं हुआ। देखिए ऐसे पूरा सामान बिखरा हुआ है, सोफ़ा है, यही सब ले जाके बाहर में वो जो दिखाया मैंने आपको, अरजाला बोलते हैं उसको, उस पर है। ये रूम जो है ये ठंडी वाला रूम है, इसको रूम को यहाँ पे गुरफा बोलते हैं। ठंडी के मौसम में यहाँ पे आग जलाते हैं, आग देखिए राख पड़ी होगी राख, ठंडी में जब ठंडी में यहाँ पे आग जलाते हैं। तो ये अंदर से देखिए, अंदर से पूरा चिमनी है, पूरा धुआं बाहर चले जाता है, और ये रूम को गर्म रखता है। इसमें आग जलाते हैं। ये ठंडी का रूम है, गुरफा, इसको यहाँ पे गुरफा बोलते हैं रूम को। ये देखिए बाहर में लगाने वाले सोफ़ा है जो मैंने आपको दिखाया, वो सब सोफे पे लगाते हैं। मैंने आपको एक रूम दिखा दिया, ये ठंडी का रूम है, अभी इसमें कुछ काम नहीं है, ठंडी आएगी सब सेट करेंगे। देखिए ये अरजाला, इसमें बाहर में बैठते हैं, और ये देखिए दूसरा अरजाला है, इसमें भी बाहर में बैठते हैं। ये देखिए सीढ़ी है इस पर जाने वाली, अभी ऊपर मोड़ के रखे हैं, अभी इसमें जा नहीं सकते, वो मोटर चल रहा है तो मोटर की वजह से आवाज़ में थोड़ा डिस्टेंस हो सकता है। ये देखिए ठंडी में आग जलाने वाला है, ठंडी में इसमें आग जलाते हैं और इसमें भूजते हैं, मुर्गी वगैरह भूजते हैं खाना खाने के लिए। ये देखिए पूरा सामान, ये मखजन है सामान रखने वाला, ये जो भी इन लोग का सामान सोफ़ा होता है जो यूज़ करते हैं वो निकाल के यूज़ करते हैं, बाकी इसमें ला के रख देते हैं। ये मखजन, यहाँ पे इसको मखजन बोलते हैं, और इसमें सब सोफ़ा रखा हुआ है, सब सामान है जो भी है। ये किचन का था मकान, तो उन्होंने सेठ लोगों ने इसको बना दिया है सामान रखने वाला। ये देखिए ठंडी का चूल्हा है, गैस का, इसको चलाते हैं तो पूरा रूम गर्म रहता है ठंडी में। ये देखिए गाड़ी वाड़ी पंचर हो जाती है तो उसके मोटर का पाइप का है, मोटर है पाइप है, ये गाड़ी पंचर हो जाती है तो इससे हवा भर के यहाँ से चले जाते हैं। ये देखिए हुक है, गाड़ी में पीछे लगा के दूसरी गाड़ी खींच के लेके जाते हैं, पंचर हो जाती है तो दूसरी गाड़ी से। अब चलते हैं, मैं दूसरे रूम में चलता हूँ।
ये देखिए ये सेट का रूम है, इसमें एसी लगा है, जनरल एसी है, जनरल एसी। अभी मैं चलता हूँ आपको दिखाता हूँ उसकी सेट। यहाँ इन लोग की लेटरिंग, ये तो अभी अच्छी लेटरिंग नहीं है, दूसरी लेटरिंग है, अपने हाथों से इन लोगों ने बनो। ये देखिए गाड़ी है सेट की, क्या नाम है गाड़ी का, गाड़ी का नाम तो लिखा ही नहीं है, लगता है सेट गया है अंदर, लेटरिंग में सेट गया है लगता है अंदर अभी। भाई इधर देखिए पानी है, टंकी लगी हुई है। अब मैं जाता हूँ अंदर, ये देखिए गेट सेट के अंदर अगर होगा तो गिर गिर करेगा, बोलेगा अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए मक्सला है, ये मक्सला हाथ धोने वाला, यहाँ पे हाथ धोते हैं, जैसे हाथ धोने वाला देखो साबुन रखा हुआ है, यहाँ कचरा वाला रखा हुआ है, ये क्लिनिक रखा हुआ है, टिशू पेपर हाथ हाथ पोछने के लिए। और ये देखिए लेटरिंग है, लेटरिंग में देखिए पूरा सिस्टम है, ये पूरा शावर भी लगा हुआ, देखिए पंखा भी लगा हुआ, गैस निकलने वाला लेटरिंग है ये। ये देखिए, ये देखिए चाय गवा, यहाँ पे चाय गवा बनाते हैं, इस पे छह लगाए हैं। ये उधर देखिए ये जो एसी है, एसी जनरल एसी, जनरल एसी है, तो इसमें साइड साइड में आप देख सकते हैं कि वो हाँ थोड़ा सा जगह थी तो उसमें इन्होंने स्पेंच लगा दिया ताकि दूसरी हवा अंदर ना आए। ये देखिए पूरे चाय गवा का सामान है, एक दिन मैं चाय गवे पे भी वीडियो बनाऊंगा, अभी मैं सब सिर्फ सामान दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए इस पे कपड़ा लाते हैं, टांगते हैं अंदर, वो अभी उतारा नहीं है, अभी सेट आया। अभी देखिए कंबल है, एसी में ठंडे लगने लगता है तो वो कंबल उड़ता है। ये देखिए इन्वर्टर है, ये देखिए उसका गमछा है, उसका टोपी, उसका मुंडी पे लगाने वाला है। अब भाई उन्हें रहना बन थोड़ा जानी ओके। ये देखिए दीवानियाँ हैं, इसको यहाँ पे दीवानियाँ बोलते हैं। जब बुढ़ावा रहा तो ये वीडियो बनाता है, देख ले। ये देखिए इन लोग का सिस्टम है, पूरा सोफा लगा है, नीचे पूरा फरसा लगा है। ये देखिए एसी है, जनरल एसी, एक इधर भी था तो अभी उसको निकाल दिया है और दूसरी साइड में लगा दिया है। अरे तो क्या कर रहा है, ये देखिए पूरा सिस्टम है, ये देखिए पूरा चाय गहवा, इसमें देखिए वो खजूर रहता है, ये दो 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 जो है उसमें वो गिलास है चाय पीने वाला, गहवा पीने वाला, इसमें थर्मस है, ये पानी है। और ये देखिए ठीक, ये देखिए टेलीविज़न है, टीवी पूरा लगा हुआ सेट है पूरा। ये है इन लोग का बैठने का रूम, एसी चालू करके बैठते हैं आराम से, मज़े लेते हैं। रेगिस्तान का ये लोग, ये सब गाड़ी पूरा टायर पे है, कहीं भी घींच के लेके चले जाते हैं इसको। अभी मैंने देखा दिखाया ये रूम है, देखिए ये रूम है, इसमें बैठा है वो, इसमें सेट बैठा है। अभी ये शाम का समय है, ये रूम में देखिए अभी ये पीछे वाला अरजाला वाला है सिस्टम जो मैंने आपको दिखाया, उधर आगे सामने वाले इसमें भी ये सिस्टम है, रात में बाहर में बैठते हैं। ये पूरा रूम टायर पे है, कहीं पे भी घिस के लेके चले जाते हैं। और ये देखिए, ये मैं अपने मकान पे नहीं था, दूसरे के मकान पे आया था, तो ये उनका आदमी है, उनका यहाँ पे राय बोलते हैं आदमी को, ये उनके राय हैं। ये उनका रूम दिखा देता हूँ, और सेठ लोग का रूम देखिए, देख लेना। ये देखिए इनकी बिल्लियाँ हैं, ये देखिए, ये देखिए जनाब बर्फ़ लेके दौड़ रहे हैं। ये देखिए उनकी एसी है, एसी नहीं फ्रिज है, इनमें उनका सारा सामान है। मैंने इनके रूम का, इनके काम का पीछे पहले एक वीडियो बना के डाल चुका हूँ, फिर भी मैंने सोचा थोड़ा इनका दिखा देता हूँ। आपने देखा वो सेठ लोग का रूम था, ये सेठ लोग के राय का रूम है, यानी उनके आदमी का रूम है, आदमी नहीं उनके वर्कर का रूम है, आदमी तो औरत का होता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।